अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में सेहत में खुशी में ढेर सारा इजाफा करे और आपको अपने मान में रखे। जी वीवर्स, तो जनाब आज है मेरे देवर का वलीमा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वलीमा व्लॉग, जो कि बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत ही फुल ऑफ फन होने वाला है। तो रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, देखते रहिएगा व्लॉग को एंड तक विदाउट स्किपिंग द वीडियो। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाकी नोटिफिकेशन को प्लीज़ थम्स अप कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम ही मेरी व्लॉग्स और रेसिपीज आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। तो जनाब, माशाल्लाह से कल रात हम अपनी दुल्हन ले आए हैं घर और बहुत ही तफरी रही, बहुत ही इंटरटेनमेंट रहा और हम ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही फ़न किया और वाकई बहुत ही यादगार रही कल की तकरीब। अब ये हो गई है सुबह, ये सुबह की वीडियो है और माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन बहुत खुश हैं, बहुत ही हैप्पी हैं और दुआ तो यही है अल्लाह पाक हमेशा इनको खुश हो आबाद रखे, हंसता हुआ रखे, सेहत के साथ तंदुरुस्ती के साथ एक बेहतरीन लाइफ अदा फरमाए। तो जनाब ये हो गया है शाम का टाइम और हम सब रेडी हो गए और पहुंच गए हॉल। सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी और हमारी दुल्हन भी पहुंच चुकी थी हॉल और उनका फ़ोटो शूट स्टार्ट हो गया था और नो डाउट बहुत ही प्यारी लग रही थी, ड्रेसिंग भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी माशाल्लाह से। दुल्हन की तो हो रही थी फ़ोटो शूट और हम सब यहाँ पे वेट कर रहे थे दुल्हन की फैमिली का। फ्लावर्स हमने अरेंज कर लिए थे, बस अब हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, फन और तफरी कर रहे थे। और यहाँ पे दुल्हन की फैमिली आ गई है और हम खड़े हुए हैं रिसेप्शन पे इस्तकबाल के लिए। तो ये हो गई हमारी रिसेप्शन ख़त्म और ये बच्चे भी ना, उनकी शरारतें तो अपनी जगह है। और हमारी ब्राइड और ग्रूम दोनों की एंट्री हो गई ज़बरदस्त किस्म के वेलकम के साथ। ब्राइड एंड ग्रूम दोनों ही माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे मेरी भतीजी जैनब का मूड ऑफ हुआ हुआ था और ये कंटिन्यूसली बैठी हुई थी अपनी जगह पे आंखें बंद करके। जब ये बहुत सारे लोगों को देख लेती हैं तो पता नहीं डर सी जाती हैं या क्या मसला होता है, आंखें बंद करके बैठ जाती हैं। इनका भी अपना ही स्टाइल है।
की एंट्री हो गई, उसके बाद तस्वीरों का सिलसिला चल पड़ा और सब ने दो फोटो बनवाए। और साथ ही लग गया खाना, और खाना भी बहुत ही मज़े का था, बहुत ही अमिलीशियस, बहुत ही डिलीशियस। सारी चीज़ें इतने मज़े की थी कि मज़ा आ गया। बस खाना खाने के बाद बच्चे फिर से अपनी तफरियों में शुगल में मसरूफ़ रहे और फिर से तस्वीरों का सिलसिला स्टार्ट हो गया, ग्रुप फ़ोटोज़ हुए। और इस तरीके से हमारा जो इवेंट है वो इख्तिताम को पहुंचा। आज का इवेंट भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत इंजॉय किया, बहुत ही फ़न किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इससे भी ज़्यादा अहम ये है कि आप नोटिफिकेशन को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अलमास वाहिद किचन एंड व्लॉग को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।